विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी पुलिस ने विकास दुबे के दो और साथियों को मार गिराया। इसमें से एक प्रभात को कल फरीदाबाद से पकड़ा गया था और उसे कानपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान उसने रास्ते में भागने की कोशिश की जिसके बाद उसे ढेर कर दिया गया। तो वहीं कानपुर में पनकी के पास पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मारा है, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा इटावा में भी पुलिस ने विकास दुबे के एक और साथी बउन शुक्ला को भी मार गिराया है। ये सभी लोग 2 जुलाई की मुठभेड़ में शामिल थे। इस मुठभेड़ में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। तो 2 साथी और विकास दुबे के ढेर कर दिए गए हैं। एक तरफ प्रभात मिश्रा को मार गिराया गया क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी, फरीदाबाद से उसे कानपुर लाया जा रहा था, भागने की कोशिश की, इस दौरान उसे ढेर कर दिया गया। तो वहीं इटावा के पास उसका दूसरा साथी बउन शुक्ला भी ढेर कर दिया गया। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, अब डिटेल में और क्या पता चल पा रहा है इन दोनों के बारे में? देखिए बिल्कुल गायत्री, विकास दुबे का जो साथी है प्रभात मिश्रा, इसे पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ला रही थी कानपुर फरीदाबाद से, लेकिन पनकी हाईवे पर जब पुलिस की गाड़ी चुकी जो है पंचर हो गई थी, उसको जैसे ही गाड़ी रुकी तो सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन कर भाग रहा था जो प्रभात मिश्रा है, जिसके बाद पुलिस की जीप को स्कॉर्ट कर रही एसटीएफ की टीम ने जवाबी फायरिंग की और प्रभात मिश्रा को मुठभेड़ में मार गिराया। और 6 बजे मुठभेड़ पनकी के पास हुई जिसमें प्रभात मिश्रा जो विकास दुबे का काफी करीबी साथी था उसे मारा गया। वहीं दूसरी तरफ इटावा पुलिस ने विकास दुबे का जो एक सहयोगी था बउन शुक्ला, जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में भी शामिल था, FIR में भी नेम्ड है, उसे 50,000 का इनाम उसके ऊपर था गायत्री, उसे इटावा पुलिस ने मार गिराया। उसके पास से जो है एक डबल बैरल की बंदूक बरामद हुई है, पिस्टल बरामद हुई है। इसके अलावा जो 3 उसके साथी थे स्कॉर्पियो गाड़ी से, वो भाग निकले, उनकी नाकेबंदी की जा रही है और पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए कोशिश कर रही है। यानी अब अगला टारगेट वो 3 लोग जो बउन शुक्ला के साथ थे। अजीत, क्या बउन शुक्ला की तरफ से भी किसी तरह की कोई जवाबी कार्रवाई, किसी तरह की जवाबी फायरिंग पुलिस पर की गई थी जिसके बाद उसे ढेर किया? देखिए बिल्कुल, डिजायर कार और स्कॉर्पियो 2 गाड़ी से लोग जा रहे थे इटावा के पास, पुलिस ने सूचना पर जिन्हें इन्हें रोकने की कोशिश की तो बउन शुक्ला की तरफ से फायर किया गया इटावा पुलिस की तरफ से और फिर मुठभेड़ में मार गिराया गया। उनके पास से डबल बैरल बंदूक, पिस्टल और स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद हुई और एक स्कॉर्पियो जिसमें 3 बदमाश और थे जो भाग निकले, उनके लिए नाकेबंदी की जा रही है। पुलिस और एसटीएफ की तरफ से लगातार जो है कार्रवाई की जो कोशिश है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। आईजी कानपुर, एडीजी जोन कानपुर जो जयनारायण सिंह है, उनकी तरफ से ये बताया गया कि इन सभी बदमाशों को अभी भी कामिंग चल रही है, इनकी जो घेराबंदी है वो की जा रही है, किसी को पुलिस की तरफ से छोड़ा नहीं जाएगा। यानी 2 साथी जो विकास दुबे के थे, प्रभात और बउन, दोनों को पुलिस ने आज सुबह तड़के मुठभेड़ में मार गिराया। जिस तरीके से चुन चुन कर लगातार कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से, क्या लिस्ट तैयार की गई, ये पता चल सका है कुल कितने साथी हैं जो पुलिस के टारगेट पर हैं? देखिए बिल्कुल, ये बात पता चल चुकी है, जो नेम्ड हैं वो तो सबके सामने है, लेकिन नेम्ड के अलावा लगभग 6 से 7 अपराधी ऐसे हैं जो उस वक्त विकास दुबे के साथ उसके घर पर बिकरू गांव में बैठे थे, जिनका नाम पुलिस को नहीं पता चल सका था। उसके बाद एक एक लोगों को आइडेंटिफाई कर रही यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस, उसके बाद उन्हें पकड़ा जा रहा है। अगर वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस पर जवाबी फायरिंग कर रहे हैं, तो उन्हें पुलिस मुठभेड़ में मार गिरा रही है। एसटीएफ की कई टीमें लगी, यूपी पुलिस की 60 टीमें, यानी 60 टीमें बहुत बड़ी संख्या होती है गायत्री। ये सभी टीमें उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां भी कहीं विकास दुबे या उनके साथियों के छिपे होने की आशंका है वहां दबिश दी जा रही है और अगर कोई संदिग्ध मिल रहा है तो उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक 0.5 दर्जन से ऐसे संदिग्धों को यूपी एसटीएफ ने, यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। उसी पूछताछ का नतीजा था कि पुलिस को ये पता चल गया कि बउन शुक्ला इटावा के आसपास से गुजर रहा है, उसके कई साथी हैं और पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की, उसने जवाब जो है पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार दिया है गायत्री। चलिए जीत, आप लगातार नजर बना के रखिएगा, आप अपडेट आपसे लेते रहेंगे। 7 टीमें अलग अलग राज्यों में, जहां जहां भी ये आशंका है कि विकास दुबे हो सकता है, क्योंकि फरीदाबाद में लास्ट आखिरी बार उसको देखा गया था, सीसीटीवी फुटेज से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी। अब विकास दुबे तो है ही टारगेट पे, उसके जो तमाम साथी हैं उनको भी चुन चुन कर पुलिस या तो हिरासत में ले रही है या फिर उनको मुठभेड़ में ढेर किया जा रहा है। इस सबके बीच बड़ी खबर है कि 2 साथी और ढेर कर दिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने शहरी गरीबों को किफायती दर पर किराए के मकान देने की योजना को मंजूरी दे दी। मोदी सरकार के इस फैसले के तहत शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर मकान दिए जाएंगे, जिसका सीधा फायदा 3 लाख गरीब लोगों को मिलेगा। इस योजना के लिए खाली पड़े सरकारी फ्लैटों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 600 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी। कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इसका ऐलान किया था। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में एक गर्भवती महिला को कंधे पर उठाकर 3 किलोमीटर की दूरी तय कर अस्पताल पहुंचाया गया और इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने गर्भवती महिला को टोकरी की मदद से कावड़ बनाकर उसमें बिठाया और फिर अस्पताल पहुंचाया।
खराब रास्ते की वजह से उसके घर तक एम्बुलेंस नहीं जा सकती थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने पैदल ही गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाकर उसकी मदद की। वहां से पैदल जाके फिर जो व्यवस्था करके जो डोला बोलते हैं उसमें डाल के उनको सुरक्षित प्रसव के लिए यहाँ पे जिला अस्पताल लाए। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के मेडियन शहर में कोरोना संकट में एक कुत्ता अपने मालिक का मददगार बन गया। महामारी के बीच मालिक की दुकान चलती रहे और मोहल्ले के लोगों को खाने पीने का सामान खरीदने के लिए घरों से भी ना निकलना पड़े, इसके लिए ये कुत्ता उनके घरों तक सामान की डिलीवरी कर रहा। और इसके लिए मुंह में एक टोकरी में सामान लिए इरोस नाम का ये कुत्ता काम पर निकलता नजर आया। गली गली दौड़ते हुए कुत्ता बिना किसी दिक्कत के ग्राहक के घर तक पहुंच गया। मजेदार बात यह है कि ये कुत्ता फ्री में डिलीवरी नहीं करता, डिलीवरी पाने वाले ग्राहक टिप के तौर पर इसे इसकी पसंद की चीजें खिलाते हैं। दोनों ऐसे पोर्खा सलिया ले तो खाएगा ला तिंदा उन्हें लो देखे जाएगा कौन सा खाना आस्ता। कुत्ता पढ़ना नहीं जानता लेकिन फिर भी ये कभी रास्ता नहीं भटकता। इतना ही नहीं, ये हर किसी को डिलीवरी भी नहीं करता। कुत्ते की मालकिन ने बताया कि कुछ चुनिंदा ग्राहक जो कुत्ते को खाने की चीजें देते हैं, कुत्ता उनका नाम जानता है और सिर्फ उन्हीं के घर डिलीवरी करने जाता है। शुरुआत में कुत्ता मालकिन के साथ ग्राहकों के घरों तक जाता था, फिर उसने अकेले सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। कैसा पर्सोना लो क्यूरे लो स्टिमुला दांडोले उनमें खा तो से आऊं। कोलंबिया में कोरोना वायरस के 1,24,000 से भी ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें 4,000 से ज्यादा की मौत भी हो चुकी है। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद चीन ने वहां अपनी नेशनल सिक्योरिटी का दफ्तर भी खोला है। इस कानून के तहत चीन को वहां सुरक्षा से जुड़े कई मामलों में सीधे दखल देने का अधिकार मिल गया है। इसकी जानकारी करने के लिए चीन ने हांगकांग में अपना एक नया दफ्तर भी खोला। एक होटल की इमारत में बनाए गए इस दफ्तर के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा नजर आई। प्रदर्शनकारी या दूसरे लोग वहां ना पहुंचे इसके लिए वहां ऊंचे बैरिकेड भी लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह दफ्तर हांगकांग में चीन के दखल बढ़ाने का ही एक कदम है, जिसके जरिए वो हांगकांग के लोगों पर सीधी निगरानी रख सकेगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी का पानी 34 गांवों में घुसने से लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। तेज बारिश और नेपाल की तरफ से आए पानी की वजह से सरयू नदी उफान पर आ गई और उसका पानी सैलाब की तरह सड़कों पर बहता दिखाई दिया। कुछ गांव सरयू नदी के पानी से चारों तरफ से घिर गए, खेतों में लगी फसलें डूब गईं। कई लोग अपना जरूरी सामान लेकर गांव से सुरक्षित ठिकानों की तलाश में ट्रैक्टर से निकल पड़े, जबकि कुछ लोग पैदल ही सड़कों पर बहते पानी को पार करते दिखे। हालात बिगड़ते देख प्रशासन की टीम भी उन इलाकों में पहुंची जहां सैलाब लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। टीम के लोगों ने बाढ़ का मुआयना किया और फिर पानी से घिरे लोगों को ऊंची जगहों पर पहुंचाने में मदद की। रास्ते हैं वहां पे भी पानी आ गया है, लेकिन आबादी अभी हमारी पूरी सुरक्षित है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में हुई बीजेपी के जिला अध्यक्ष वसीम बारी की हत्या के मामले में सुरक्षा में तैनात सभी पीएसओ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बीजेपी नेता वसीम बारी, उनके पिता और भाई की कल देर रात आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक वसीम बारी की सुरक्षा में 7 से 8 सुरक्षाकर्मी तैनात थे, लेकिन हमले के वक्त एक भी मौजूद नहीं था। हत्याकांड के फौरन बाद पुलिस ने सुरक्षा में तैनात सभी सुरक्षाकर्मियों को हिरासत में ले लिया है। नोरा फतेही का डांस करने का एक वीडियो वायरल हो गया। नोरा फतेही का लंदन की सड़क पर कुछ बच्चों के साथ डांस करने का एक वीडियो वायरल हो गया। महाराष्ट्र में शिवसेना छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए 5 पार्षद फिर शिवसेना में लौट आए। मुंबई में इन सभी ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए बताया कि 10 जुलाई से शुरू होने वाली ऑनलाइन परीक्षाएं टाल दी गयी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अगस्त में ये परीक्षाएं करवाने की बात कही। कोर्ट ने परीक्षाओं पर कोई सही फैसला नहीं ले पाने पर डीयू प्रशासन को फटकार भी लगाई। युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर सौरव गांगुली को जन्मदिन की बधाई दी। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, लॉट्स ऑफ लव, लव यू ऑलवेज। कोरोना काल के संकट में वाराणसी में जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए संगठनों के प्रतिनिधियों से आज पीएम मोदी खुद बात करेंगे। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और ऐसे में सुबह 11 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मददगार संगठनों के प्रतिनिधियों से करेंगे बात। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कोरोना काल में एक दूसरे की मदद के लिए वाराणसी के लोगों की तारीफ भी की।
तो पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया और इस बात की जानकारी दी। ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि कोविड महामारी के दौरान वाराणसी के नागरिकों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने पूरे समर्पण भाव से न केवल जरूरतमंदों की मदद की बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी हर प्रकार की सहायता दी। अपने संसदीय क्षेत्र के इन लोगों से सुबह 11 बजे होने वाले संवाद को लेकर बेहद उत्सुक हूं। अमेरिका ने विदेशी छात्रों को वीजा जारी न करने से जुड़े नियमों में थोड़ा बदलाव किया। दो दिन पहले ही अमेरिका ने विदेशी छात्रों को वीजा जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब अमेरिका ने कुछ शर्तों के साथ नियमों में थोड़ा बदलाव कर दिया जिससे वहां रहने वाले भारत के छात्रों को राहत मिलेगी और वो कुछ समय के लिए अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। नियम बदलते हुए अमेरिका ने जो शर्तें रखी हैं उनके मुताबिक विदेशी छात्रों का वीजा लेना जरूरी होगा, साथ ही उन्हें कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। अमेरिका ने ऑनलाइन पढ़ाई करवाने वाले विश्वविद्यालयों के छात्रों का वीजा रद्द करने की बात कही थी, जिसके बाद भारत ने इस बारे में अमेरिका से चर्चा की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने वाराणसी में भी कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के पोस्टर्स लगा दिए हैं। यूपी समेत देश के कई राज्यों में पुलिस विकास दुबे की सरगर्मी से तलाश कर रही है। वाराणसी में शहर के साथ साथ पुलिस ने ट्रेनों पर भी विकास दुबे के पोस्टर चिपका दिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे पर इनाम की राशि बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। विकास दुबे और उसके साथियों पर पुलिस के 8 जवानों की हत्या का आरोप है। कोरोना संकट के बीच रेलवे ने कबाड़ से नोट सैनिटाइज करने वाली मशीन बनाई है। नोट के जरिए भी इस बीमारी के फैलने का खतरा बना हुआ था जिससे रेलवे कर्मचारियों को बचाना एक बड़ी चुनौती थी। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए नोटों को सैनिटाइज करने वाली मशीन बनाई गई। दावा किया गया कि इसे बनाने में कोई खर्च नहीं आया क्योंकि इसे बेकार पड़े एक प्रिंटर से ही तैयार किया गया। इसे न केवल हमारा स्टाफ बल्कि पैसेंजर जो है उनकी भी सुरक्षा हम एंश्योर कर रहे हैं। नोटों को सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल किया गया। बताया गया कि कोरोना के खतरे को देखते हुए इस मशीन का इस्तेमाल महाराष्ट्र के कई रेलवे स्टेशनों पर किया जा रहा है। सैनिटाइज करने के अलावा इस मशीन से नोटों की असली और नकली की पहचान भी की जा सकती है। बिहार में अब किसी भी शादी की जानकारी सबसे पहले पुलिस थाने को देनी होगी। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने शादी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अब शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों को न्योता देने से पहले पास के थाने में जाकर पुलिस को इस बात की जानकारी देनी होगी। साथ ही दूल्हा और दुल्हन के परिवार वालों को बॉन्ड भरकर देना होगा कि शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। इतना ही नहीं, अगर सरकार के निर्देशों का उल्लंघन हुआ तो कसूरवारों पर कार्रवाई भी की जाएगी। खासकर उन विवाह भवनों और होटल को बंद कर दिया जाएगा जो शादी के लिए बनाए गए नए नियमों को तोड़ते पकड़े जाएंगे। थाने को बताएंगे कि हमारी शादी है, किस दिन है, कहाँ है, किस जगह है, और वो बॉन्ड भी देंगे कि भाई हमारे यहाँ 50 से अधिक अतिथि नहीं होंगे। दिल्ली में नगर निगम के स्कूलों में किताबों के साथ होमवर्क के लिए वर्कशीट भी बांटी गई। कोरोना वायरस की वजह से बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए बच्चों के माता पिता को स्कूल बुलाकर किताबें और वर्कशीट दी गई। इस दौरान स्कूल पहुंचे सभी लोग मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते नजर आए। प्राइवेट स्कूलों की तरह नगर निगम के स्कूलों में भी बच्चों को होमवर्क के लिए वर्कशीट दी गई। बताया गया कि होमवर्क पूरा होने के बाद वर्कशीट जमा करने की जिम्मेदारी भी बच्चों के माता पिता की ही होगी। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनको स्कूल में बुलाकर इस तरह वर्कशीट दी जा रही है। बच्चों को स्कूल में आने की अनुमति नहीं है। वहीं बच्चों को वर्कशीट दिए जाने से उनके माता पिता बेहद खुश नजर आए, साथ ही उन्होंने स्कूल की इस पहल की तारीफ भी की। बहुत अच्छा शुरुआत है। पहले व्हाट्सएप पे जो नहीं समझ पाते थे वो वर्कशीट से उससे बढ़िया तरह से समझा सकते हैं। फिल्म जगत की सबसे मशहूर फिल्म शोले में सूरमा भोपाली का अमर किरदार निभाने वाले एक्टर जगदीप नहीं रहे। जगदीप का 81 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। जगदीप कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। जगदीप ने अपने बांद्रा के घर में आखिरी सांस ली। आज सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया में जन्मे जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। उन्होंने करीब 400 फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई, लेकिन 70 के दशक की फिल्म शोले में सूरमा भोपाली की निभाई गई भूमिका आज भी लोगों को याद है। झारखंड के सीएम ने खुद को अपने घर पर क्वारंटीन कर लिया। झारखंड में एक मंत्री को कोरोना वायरस होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने खुद को अपने घर पर क्वारंटीन कर लिया।
यूपी पुलिस ने कानपुर मुठभेड़ मामले में आरोपी विकास दुबे पर इनाम की राशि बढ़ाकर 5 लाख कर दी। अमेरिका WHO से औपचारिक रूप से अलग हो गया, उसने इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र को भी दे दी। अमेरिका लगातार WHO पर कोरोना वायरस के मामले में चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाता रहा है। सुरेश रैना ने अभ्यास करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। नीतू कपूर ने अपने परिवार के साथ अपना 63वां जन्मदिन मनाया। देश में कोरोना से पीड़ित मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए अब डॉक्टर्स को भी फोन पर सलाह दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक इसके लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल के डॉक्टर फोन और वीडियो कॉल के जरिए दूसरे अस्पताल के डॉक्टरों से बातचीत करेंगे, ताकि देश के अलग अलग इलाकों में इलाज करवा रहे कोरोना मरीज बड़े अस्पतालों की तरफ ना भागे और उन्हें वहीं पर बेहतर इलाज दिया जा सके। इसके लिए सबसे पहले देश के 10 ऐसे अस्पतालों को चुना गया है जहां 1000 से ज्यादा बेड मौजूद हैं। बताया गया कि 31 जुलाई तक हर मंगलवार और शुक्रवार को एम्स के डॉक्टर इन अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों को बेहतर इलाज करने के लिए दिशा निर्देश देंगे। कानपुर मुठभेड़ मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे के करीबी अमर दुबे को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। अमर दुबे विकास दुबे की गैंग का शातिर बदमाश माना जाता था, जिसे हमीरपुर में हुई एक मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया। गांव में भी पूछताछ करवाई जा रही है कि यहां पे ये किसके साथ था, किसने इसको शरण दी थी। हमारी कई टीमें अभी गांव में भी लगातार पूछताछ। हमीरपुर में विकास दुबे के करीबी अमर दुबे के ढेर होने पर कानपुर के चौबेपुर में लोगों ने एक दूसरे का गुड़ से मुंह मीठा कराकर जश्न मनाया। अरे बहुत साफ खुशी हमको हो रही है, बहुत ज्यादा से ज्यादा। हमीरपुर के अलावा कानपुर में हुई एक मुठभेड़ में भी पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश श्यामू वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि श्यामू वाजपेयी पुलिस पर हुए हमले में शामिल था। तुम उस दिन मुठभेड़ में थे कि नहीं थे? नहीं थे। विकास में थे? इस बीच कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की मुखबरी के आरोप में चौबेपुर के पूर्व SO विनय तिवारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। विनय तिवारी के साथ सब इंस्पेक्टर KK शर्मा को भी विकास दुबे की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन दोनों पुलिस वालों पर मुठभेड़ के समय अपने साथियों की जान खतरे में डालने और घटना वाली जगह से भागने के भी आरोप। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे से रिश्तों के आरोप में SO विनय तिवारी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। RJD नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने अस्पताल का एक वीडियो ट्वीट कर अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को मिल रही सुविधाओं पर उठाए सवाल। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि अस्पताल में मरीजों के बीच 2 दिन से 2 शव भी रखे हुए हैं। दोनों लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई थी और उसके बाद शव को वार्ड से हटाया नहीं गया। इस वीडियो के जरिए तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए लिखा है कि अस्पतालों में इलाज के लिए डॉक्टर और नर्स नहीं है, सभी डॉक्टर और नर्स मुख्यमंत्री आवास भेज दिए गए हैं। ये आपने देखा, ये 2 दिन से बड़ी डेट बड़ी पड़ी हुई है, आप ये देख सकते हैं। देखिए ये 2 दिन से ये इतना बुरा हाल है कि हम बता नहीं सकते। एक 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 ये बॉडी है, आप ये देख लीजिए, आप ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अब ये सुन चुके यहाँ की सिचुएशन क्या खराब है। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ के कहर के बीच कच्छ में एक दिन पहले बिजली गिरने की घटना ने लोगों को खौफ से भर दिया। ये घटना कच्छ के लक्ष्मीपुर गांव में हुई, जहां एक पवन चक्की पर बिजली गिरने से लोग सहम उठे। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर दिखा। एक दिन पहले की इस घटना में आसमान से बिजली गिरने के दौरान तेज धमाके की आवाज सुनी गई। बिजली वहां एक पवन चक्की पर गिरी, इसके बाद पवन चक्की में आग लग गई। इस हादसे ने लोगों को डरा दिया। कहा जा रहा है कि इस घटना से पहले ही प्रशासन ने इलाके के लोगों को सतर्क कर दिया था, जिसकी वजह से वहां बड़ा हादसा होने से टल गया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया। शहर से गुजरने वाली हान नदी के ऊपर जब 300 ड्रोन उड़े तो रात के अंधेरे में उनकी रोशनी से पूरा आसमान जगमगा उठा। कई लोग नदी किनारे बैठकर इस ड्रोन शो को देखते हुए भी नजर आए। लाइट शो के जरिए लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोने के लिए भी जागरूक किया गया। साथ ही कोरोना से जंग में सहयोग करने के लिए लोगों का शुक्रिया भी अदा किया गया। तो दक्षिण कोरिया के सोल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना पर जागरूक करने के लिए ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया था और ऐसे में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाने के फायदे और हाथ धोने बार बार हाथ धोने की अपील भी लोगों से की गई, ताकि कोरोना से
जो जंग लगातार लड़ी जा रही है उसमें कामयाबी हासिल की जा सके। ओडिशा के गंजाम में एक मंदिर के अंदर घुसे कोबरा को पकड़ने में वन विभाग वालों के पसीने छूट गए। मंदिर के अंदर करीब 10 फीट लंबे इस कोबरा को देखकर लोग बुरी तरह डर गए और उन्होंने तुरंत उसकी खबर वन विभाग वालों को दी। लेकिन जब वन विभाग की टीम उसे पकड़ने पहुंची तो वो कोबरा मंदिर के पीछे की झाड़ियों में छिप गया। तुरंत एक आदमी ने उसकी पूंछ पकड़ी और उसे खींचकर वहां से बाहर लाया, लेकिन तभी उस कोबरा ने पलटकर उस आदमी पर हमला बोल दिया। इस हमले में वन विभाग का कर्मचारी बाल बाल बच गया और कोबरा की पूंछ भी उसके हाथ से छूट गई। फिर तुरंत ही दोबारा उसने कोबरा की पूंछ पकड़ी और उसे एक खुली जगह पर लाया गया। वहां चार लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। खुद को लोगों की पकड़ से छुड़वाने के लिए कोबरा भी फन फैलाए नजर आया। वन विभाग के कर्मचारी उसे काबू करने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक आदमी बीच में मोबाइल से उसकी फोटो खींचने पहुंच गया। उस आदमी को भगाने के बाद बड़ी सावधानी से लाठियों की मदद से कोबरा के फन को जमीन की तरफ किया गया और एक आदमी ने तुरंत उसका मुंह पकड़ लिया। करीब एक घंटे की कोशिश के बाद कोबरा पर काबू पाया गया। वहाँ के लोग थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए ज्यादा बड़ा कह रहे थे, 9 फीट से 10 फीट हो गया। मुंबई के दादर इलाके में बाबा साहब अंबेडकर के पुश्तैनी घर पर एक शख्स ने तोड़फोड़ की। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें आरोपी घर पर पत्थर फेंकता दिखाई दिया। इतना ही नहीं, पत्थर फेंकने वाला शख्स गेट खोलकर अंदर घुसा और घर के बाहर रखे गमलों को एक एक कर गिराने लगा। बाबा साहब अंबेडकर के पुश्तैनी घर में तोड़फोड़ करने के बाद वो शख्स वहां से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी इस मामले में आरोपी की पहचान कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कानपुर कांड में आरोपियों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार चौबेपुर थाने के निलंबित प्रभारी विनय तिवारी को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही 6 और लोगों को भी पुलिस रिमांड में भेजा है। इन लोगों में अमर दुबे की पत्नी और पिता भी शामिल हैं। चौबेपुर थाने के पूर्व प्रभारी पर आरोपियों की मदद करने का आरोप है, जिसके चलते पहले निलंबित किया गया, उसके बाद कोर्ट ने अब 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने एक बार फिर नई चाल चली। इस बार पाकिस्तान ने यह झूठा दावा किया कि वहां की जेल में बंद कुलभूषण जाधव ने अपनी मौत की सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यह दावा तक कर दिया कि कुलभूषण जाधव ने मौत की सजा माफ करने के लिए दी गई दया याचिका पर फैसले का इंतजार करने की बात कही है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने का प्रस्ताव रखा गया। इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान मुंह की खा चुका है और तब से वो लगातार नई चालें चल रहा है। इस बीच भारत सरकार ने साफ किया कि वो पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को भारत लाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रही। बांदीपोरा के बीजेपी के जिला अध्यक्ष वसीम बारी और उनके परिवार के 2 और लोगों की हत्या पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से इस मामले में फोन पर बातचीत भी की और पीड़ित परिवार के लिए दुख जाहिर किया। इस सबके बीच आपको बता दें, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस हत्याकांड की निंदा की है। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर वसीम बारी की हत्या को बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान बताया है, जबकि जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि जिम्मेदार आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, आतंकियों के काराना हमले में हमने शेख वसीम बारी, उनके पिता और भाई को जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में खो दिया। बीजेपी के लिए ये बड़ा नुकसान है। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं, पार्टी बहादुर परिवार के साथ हमेशा खड़ी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शेख वसीम बारी एक बहुत ही तेज तरार और जांबाज भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे। वो भारत माता के एक सच्चे सपूत थे। पाकिस्तान को और आतंकवादियों को इनके गुनाहों की सजा, इनके पापों की भारी सजा पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। खून के एक एक बूंद का हम बदला लेंगे। शेख वसीम हमारे बड़े प्रिय नेता थे, बड़े दलेर नेता थे और कश्मीर में डट करके भारत माता की जय और तिरंगा लेकर उठाए हुए वो वहां पर काम करते थे। वो देश के लिए बलिदान हुए, भारत माता के लिए बलिदान हुए, तिरंगे के लिए बलिदान हुए हैं और विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए जो उनकी बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। एक एक व्यक्ति को, एक एक मिलिटेंट्स को जो वहां पर
मिलिटेंसी के हक में काम कर रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन में बेरोजगार हुए ब्रिटेन के सर्कस के कलाकारों ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। ब्रिटेन की कुछ सबसे बड़ी सर्कसों की इन 50 से ज्यादा भी कलाकारों ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को एक पत्र भी सौंपा, जिसके लिए सर्कस के कलाकारों ने अपनी कला का ही सहारा लिया और राजधानी लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर सर्कस का नजारा देखने को मिला। कलाबाज, जादूगर, जोकर और दूसरे कलाकार अपने अपने लिबास में करतब करते नजर आए। एक कलाकार तो तोप का गोला बना हुआ दिखा। सर्कस को बचाने की अपील लिखी तख्तियां लिए कलाकारों ने दावा किया कि अगर उन्हें सरकार की मदद नहीं मिली तो 250 साल पहले शुरू हुआ सर्कस का दौर 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। 3 दिन पहले ब्रिटेन की सरकार ने थिएटरों, म्यूजियमों और कलाकारों को राहत देने के लिए 157 करोड़ पाउंड यानी भारतीय रुपयों में 14,000 करोड़ से भी ज्यादा के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन सर्कस के कलाकारों का आरोप है कि उस पैकेज में उन्हें शामिल नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के गुना में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले महेंद्र सिंह सिसोदिया शिवराज सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार शहर पहुंचे थे, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने बीच सड़क पर बैठकर सिर मुंडवाया। इतना ही नहीं, सिर मुंडवाने के दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारे भी लगाए। इस विरोध प्रदर्शन से पहले वीरेंद्र सिंह सिसोदिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को प्रणाम करते दिखे। बाद में उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर लोकतंत्र की हत्या करने समेत कई आरोप लगाए। हत्या करने वालों को मंत्री बनाकर शिवराज सरकार ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का जो माखोल उड़ाया है। वहीं शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार शहर पहुंचे महेंद्र सिंह सिसोदिया का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। कई लोग उन्हें फूलों की माला पहनाते दिखे। इस बीच वहां लोगों की भारी भीड़ दिखी, लेकिन भीड़ में शामिल ज्यादातर लोग कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों का पालन करते नहीं दिखे। पटना में 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। पटना में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए शुक्रवार से 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को घर से निकलने की इजाजत होगी। कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए 10 तारीख से जितने भी सरकारी गैर सरकारी ऑफिसेज हैं जो जरूरी सेवाओं से अलग हैं को बंद करने का निर्देश दिया गया है। सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में एक प्लाज्मा डोनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। मैं यही कहूंगा सभी को कि आए और अपना ब्लड डोनेट कीजिए प्लाज्मा थेरेपी के लिए, दूसरों की मदद हो सकती है। दिल्ली में कारोबारियों के एक संगठन ने रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक चीन के सामान की बजाय सिर्फ भारतीय सामान बाजार में बेचने की योजना बनाई। राखियां उन महिलाओं से बनवा रहे हैं जो घरों में अपना काम करती हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में एक अस्पताल का दौरा किया और मरीजों का हाल जाना। टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, टेस्टिंग इतनी कम हो रही है जिसके कारण लोगों की जान को खतरा तैयार हो रहा है, टेस्टिंग बढ़ाई। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में दोबारा लॉकडाउन लागू करने के सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। वहां कोरोना के नए मरीजों की तादाद को देखते हुए सरकार ने दोबारा लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया, पर सरकार के इस फैसले के विरोध में लोगों का गुस्सा थमता नहीं दिख रहा। सड़कों पर उनका प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। वो एक बार फिर संसद के सामने जमा होकर हंगामा और नारेबाजी करते दिखे। भीड़ को शांत करवाने के लिए पुलिस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पुलिस वाले रास्ते को घेर कर खड़े हो गए और प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोकते दिखे। बख्तरबंद गाड़ियां भी उनके पीछे ढाल बनकर खड़ी दिखाई दी। पुलिस वहां तोड़फोड़, नारेबाजी और आगजनी कर रहे लोगों को आंसू गैस का इस्तेमाल कर खदेड़ती नजर आई, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी माने नहीं और वो उल्टे पुलिस वालों से ही भिड़ गए। भीड़ में शामिल कई लोग तो उन पर पटाखों से हमला करते भी दिखे। हालात को बिगड़ते देख पुलिस के घुड़सवार दस्ते को भी संसद और उसके आसपास तैनात कर दिया गया, जो हंगामा कर रहे लोगों को वहां से भगाते नजर आए। CBSE के सिलेबस से राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और नागरिकता जैसे विषयों से संबंधित पाठ हटाने पर विवाद हो गया। कोरोना की वजह से इस समय छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही। ऐसे में सरकार ने छात्रों का बोझ कम करने के लिए पाठ्यक्रम से कुछ चैप्टर कम कर दिए।
जिनमें राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और नागरिकता के विषय से जुड़े चैप्टर भी शामिल हैं। सरकार की तरफ से इस मामले में शिक्षा मामलों के जानकारों से राय मांगी गई थी, जिसके बाद करीब 1500 सुझाव मिले थे। माना जा रहा है कि सरकार ने इन्हीं सुझावों के आधार पर CBSE के सिलेबस से 30% पाठ्यक्रम घटाने का निर्णय लिया। हालांकि ये बदलाव सिर्फ 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए किया गया है और ये सिर्फ इसी सत्र में लागू किया जाएगा, लेकिन पाठ्यक्रम में इस बदलाव पर विवाद हो गया और कांग्रेस ने इसे बड़ी साजिश का हिस्सा बता दिया। ये असंवैधानिक है, गलत है, भद्दा है और एक लार्जर षड्यंत्र का एक हिस्सा भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के गुना में मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन नहीं करने वाले 50 से ज्यादा लोगों का चालान काटा गया। कोरोना वायरस ना फैले इसके लिए सरकार ने हर किसी को मास्क लगाने और एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने का नियम लागू किया है, जिसका पालन होता ना देख खुद SDM शिवानी गर्ग पुलिस की एक टीम के साथ शहर की सड़कों पर उतर आई और मास्क नहीं लगाने वालों का चालान काटती दिखी। शहर के एक इलाके से प्रशासन की कार्रवाई की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में SDM शिवानी गर्ग एक पुलिस वाले का चालान काटने के लिए कहती सुनाई दी, जो अपनी पत्नी के साथ बिना मास्क लगाए बाइक से जा रहा था। इतना ही नहीं, जब पुलिस वाले ने वहां से जाने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी बाइक से चाबी निकाल ली। एक दूसरी तस्वीर में एक पुलिस वाला बाइक की हवा निकालता दिखाई दिया क्योंकि बाइक सवार ने मास्क नहीं पहना था। इसी तरह वहां से एक और तस्वीर सामने आई जिसमें मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को SDM शिवानी गर्ग डांटती दिखाई दी। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की धरपकड़ में जुटी UP पुलिस ने विकास के गांव में अपनी कार्रवाई जारी रखी। इस बार पुलिस ने विकास दुबे के अवैध हथियारों की तलाश में अभियान चलाया, जिसके तहत बिकरू गांव में विकास के घर के पास मौजूद एक कुएं में कुछ पुलिस वाले हथियार खोजते दिखाई दिए। कुएं में पानी था, लिहाजा पुलिस ने कुएं से पानी निकालने के लिए पंप का इस्तेमाल किया। इस दौरान वहां पर कुछ लोग रस्सियों और एक सीढ़ी की मदद से कुएं में उतरने की तैयारी करते दिखे। ये कुआं है जिसमें सुबह से पुलिस की टीम आई हुई है और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले ही टीम ने इस कुएं में जांच की थी। पुलिस को जानकारी मिली है कि इस जो कुएं के अंदर वेपन्स हो सकते हैं। इस कार्रवाई के वक्त कुछ पुलिस वाले विकास दुबे के हाल ही में गिराए गए मकान के आसपास भी छानबीन करते नजर आए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सड़क के ऊपर से बह रहे बरसाती नाले में फंसे एक बाइक सवार को लोगों ने वक्त रहते बचा लिया, जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोटा में कोरोना के 12 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 25 दिनों से बीमार एक हाथी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में आयोजित एक समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। RJD नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के एक अस्पताल का वीडियो शेयर कर राज्य की नीतीश सरकार पर कोरोना के मरीजों के इलाज पर सवाल खड़े किए। राजस्थान के अलवर में तूफान के साथ आए बवंडर ने जमकर तबाही मचाई, कई घरों के टिन के छत उड़ गए। महाराष्ट्र में कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों के तहत होटल खुल गए। करीब 3 महीने बाद खुले राज्य के सभी छोटे बड़े होटल और लॉज में सरकार के निर्देश के हिसाब से कड़े इंतजाम किए गए। मुंबई के एक होटल में भी नियमों का खास ख्याल रखा गया और वहां आने वाले हर शख्स की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। होटल में रहने वाले लोगों के साथ साथ उनके सामान की भी साफ सफाई की गई और उस पर दवा का छिड़काव किया गया। यही नहीं, दवा छिड़कने के बाद सामान पर टैग भी लगाया गया ताकि ये पता चल सके कि उसे सैनिटाइज कर दिया गया है। लंबे अरसे के बाद खुले होटल के हर कर्मचारी के चेहरे पर मास्क नजर आया और उन्होंने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। साथ ही वहां के कोने कोने में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया। रिसेप्शन हो या लिफ्ट, हर जगह सैनिटाइजर रखा नजर आया। यही नहीं, रिसेप्शन पर प्लास्टिक की पारदर्शी शीट भी लगाई गई। कमरे भी साफ सुथरे दिखे। उनमें कोरोना से बचने के लिए सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनकी एक लिस्ट भी लगा दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए हर होटल को केवल 33% कमरे ही इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। यही वजह रही कि जब होटल खोले गए तो प्रबंधन ने इस बात का खास ख्याल रखा। 33% गेस्ट लाइक यू मेंशन्ड इज ओपन फॉर सेल एंड 67% इज ओपन फॉर क्वारंटाइन गेस्ट। वी आर हाउसिंग देम ऑन सेपरेट फ्लोर्स। कोटा में कोरोना के 12 नए मरीज मिले। सबके बीच आपको बता दें, उत्तराखंड के हल्द्वानी में सड़क के ऊपर से बह रहे बरसाती नाले में फंसे एक बाइक सवार को लोगों ने वक्त रहते बचा लिया, जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस भी हल्द्वानी और सितारगंज को जोड़ने वाली सड़क के ऊपर से बरसाती नाला तेजी से बहता दिखाई दिया, जिसे पार करने के चक्कर में एक बाइक सवार उसमें फंस गया।
तेज बहाव की वजह से बाइक बहने लगी, जिसके बाद कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश करते दिखे। तभी एक और आदमी दौड़ता हुआ उनकी मदद के लिए वहां पहुंचा, जिसके बाद सभी ने मिलकर पहले बाइक को उठाया, फिर धीरे धीरे धक्का देकर उसे बाहर निकाला। इसी तरह एक दूसरा बाइक सवार भी सड़क को पार करने के चक्कर में बरसाती नाले के तेज बहाव में फंस गया और उसे भी कुछ लोगों ने वक्त रहते बचा लिया। इस दौरान कुछ लोग बाइक को पानी से निकालने के लिए धक्का देते दिखे। इतना ही नहीं, पुलिस का एक जवान भी उनकी मदद करता नजर आया। जम्मू में तवी नदी के तेज बहाव में फंसी एक महिला को एसडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित बचा लिया। तवी नदी में अचानक बाढ़ आने की वजह से यह महिला नदी के बीच में फंस गई, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और कुछ जवान एक नाव पर सवार होकर नदी की तेज लहरों में उतर गए। तेज बहाव के बीच फंसी महिला डरकर एक पत्थर पर बैठी नजर आई, जबकि काफी देर तक कोशिश करने के बाद एसडीआरएफ के जवान नदी पार कर महिला तक पहुंच गए, जिसके बाद एक जवान नाव से उतरकर महिला के पास पहुंचा और उसे नाव में बिठा लिया, जिसके बाद ये सभी लोग उफनती नदी के बीच से नाव लेकर सुरक्षित लौट गए। 9 बजे पानी आ गया, ये आई थी भैंस को मोड़ने के लिए थे तो पानी में आगे फंस गई है। कोटा में कोरोना के 12 नए मरीज मिले। राजस्थान के कोटा में कोरोना की जांच में 12 लोग पॉजिटिव पाए गए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए उन्हें राज्य में कमलनाथ सरकार के गिराने का जिम्मेदार बताया। मध्य प्रदेश के कटनी में बिजली के तार की चपेट में आने से एक ट्रक में आग लग गई। मध्य प्रदेश के सतना में जमीन विवाद को लेकर बाप बेटे बीच सड़क पर भिड़ गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कुख्यात अपराधी वेद प्रकाश की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। कानपुर की घटना के बाद से ही राज्य के कई जिलों में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, जिसके तहत लखीमपुर खीरी के सबसे बड़े अपराधी के उन ठिकानों को तोड़ दिया गया जहां से वो अवैध शराब का कारोबार चलाता था। मशीन के जरिए पुलिस ने उसके घर को भी ढहा दिया, साथ ही भारी मात्रा में अवैध शराब और सामान भी जब्त किया गया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि कोई हंगामा न हो। जिले की एसपी ने खुद अपनी निगरानी में ये कार्रवाई की। गैंगस्टर में इसके संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित है, लगभग 1 करोड़ की इसकी संपत्ति जब्त की जा रही है। बताया गया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश फरार हो चुका था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिम खोलने की मांग करते हुए संचालकों और वहां काम करने वाले लोगों ने सड़क पर ही कसरत शुरू कर दी। कोरोना की वजह से पिछले 4 महीनों से जिम बंद है और इसकी वजह से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यही वजह रही कि शहर के जिम संचालकों और वहां काम करने वाले ट्रेनरों ने प्रदर्शन किया और सरकार से जिम खुलवाने की मांग करते हुए सड़क पर ही कसरत शुरू कर दी। कोई उठक बैठक करता दिखा तो कुछ लोग सड़क पर पुशअप करते नजर आए। इतना ही नहीं, इस दौरान कुछ लोग जिम को दोबारा खोलने के लिए नारे लगाते रहे। विरोध प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग बैनर पकड़े भी दिखाई दिए, जिन पर जिम को फिर से खोलने की मांग लिखी नजर आई। कुछ लोग डंबल और कसरत करने वाले दूसरे सामान के कटआउट लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन में शामिल एक आदमी ने बताया कि जिम बंद होने की वजह से उनके सामने भूखों मरने की स्थिति पैदा हो गई है। अब हम लोग का निवेदन है कि सारे जिम हमारे खोले जाएं। हम लोग जो भी प्रोटोकॉल, जो भी गवर्नमेंट बोलेगी, सारा सब कुछ फॉलो किया जाएगा, क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं। कोरोना से बचने के लिए प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग मुंह पर मास्क लगाए दिखे, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी जरूरत नहीं समझी। इसके अलावा प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की भी कमी नजर आई। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल और आईआईटी रोपड़ ने मिलकर अस्पताल में कोरोना मरीजों की मदद के लिए एक ड्रोन लॉन्च किया। इतना ही नहीं, कोविड वार्ड में मरीजों को जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए एक छोटी ट्रॉली भी बनाई, जिसका नाम दिया गया मेडिसारथी। बैटरी से चलने वाली इस छोटी ट्रॉली में दवाएं और मरीज की जरूरत का दूसरा सामान रखा नजर आया। दावा है कि ये ट्रॉली डॉक्टरों और नर्सों के लिए बेहद मददगार साबित होगी, क्योंकि इससे उन्हें बार बार कोरोना मरीज के पास नहीं जाना पड़ेगा। अपने कमरे में बैठे बैठे ही वो रिमोट से ये ट्रॉली चला पाएंगे और स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना की चपेट में आने की गुंजाइश कम रहेगी। इवन टेम्परेचर भी पेशेंट का ले सकती है और सैनिटाइजेशन भी कर सकती है। ट्रॉली के साथ ही अस्पताल को सैनिटाइज करने, निगरानी और दूसरे अहम काम के लिए एक ड्रोन भी बनाया गया। बताया गया कि ये ड्रोन 2 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है, साथ ही ये 3 किलो वजन भी उठा सकता है। अल्मोड़ा में गुलदार ने एक महिला की जान ले ली। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में गुलदार ने एक महिला पर हमला कर उसकी जान ले ली। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस ने अवैध कारतूस के साथ 6 लोगों को पकड़ा। उत्तराखंड की हल्द्वानी में पानी में डूब चुकी सड़क को पार करने के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार की जान बाल बाल बच गई।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शारदा नदी में डूबने से 9 किसानों की मौत हो गई। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी ने केंद्र के प्राइवेट ट्रेन चलाने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने अलग अलग रूट पर चलने वाली 109 यात्री ट्रेनों के लिए निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगा था, जिसके विरोध में टीएमसी ने प्रदर्शन किया और पार्टी कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर इकट्ठा हो गए। टीएमसी सांसद शांतनु सेन की अगुवाई में बड़ी तादाद में लोग नारे लगाते हुए रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। पार्टी का झंडा लेकर स्टेशन पहुंचे इन लोगों ने पहले तो प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन किया और फिर धीरे धीरे रेलवे ट्रैक पर उतर आए, जिसके बाद ये लोग ममता बनर्जी की तस्वीर वाला बैनर लेकर रेलवे ट्रैक पर चलने लगे। साथ ही उन्होंने केंद्र के प्राइवेट ट्रेन चलाने के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ऐसा पहली बार हुआ है जब रेलवे में यात्री ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। दिल्ली के मुंडका में देर रात प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 35 गाड़ियों की मदद से इस आग को बुझा लिया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई और आग ने थोड़ी ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची लपटें दूर तक दिखाई देने लगी। गोदाम में प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग काफी तेजी से भड़की। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। दमकल कर्मी लपटों पर लगातार पानी की बौछार करते दिखे। आग इतनी भीषण थी कि मौके पर फायर ब्रिगेड की कुछ और गाड़ियों को बुलाना पड़ा। टोटल लगभग 35 गाड़ियां काम पे लगी हुई हैं। आग जो है चारों तरफ से हमने घेर लिया है। काफी कोशिश के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग बुझा ली, लेकिन तब तक गोदाम के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस हादसे में लाखों के नुकसान का अनुमान जताया गया। जापान में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए हैं। दक्षिणी जापान के बाद अब मध्य जापान के कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए, जहां उफान पर बह रही नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए। सड़कों पर कई फीट पानी भरने से वो नदियों की तरह दिखने लगी। कई जगहों पर तो उनका नामो निशान भी मिट गया। भारी बारिश की वजह से रेल की पटरियां भी पानी में डूब गईं। बाढ़ के अलावा जमीन खिसकने से भी भारी नुकसान हुआ। मलबे की चपेट में आने से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। बाद में मशीनों की मदद से मलबे की सफाई का काम शुरू किया गया और लापता लोगों की तलाश शुरू की गई। खतरे को देखते हुए करीब 30 लाख लोगों को इलाका खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए। गोंडा में साइकिल चुराने के आरोप में हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में साइकिल चुराने के आरोप में एक लड़की की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के उमरिया में 10वीं के टॉपर को जिले के कलेक्टर ने एक दिन का कलेक्टर बनाकर सम्मानित किया। दिल्ली के मुंडका में देर रात एक गोदाम में लगी आग को दमकल की 30 गाड़ियों की मदद से बुझा लिया गया। उत्तर प्रदेश के जालौन में आसमानी बिजली गिरने से 7 लोग झुलस गए, जबकि 6 से ज्यादा बकरियों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में शराब की दुकान खोले जाने से लोगों का गुस्सा भड़क गया। दुकान खुलने की जानकारी मिलते ही इलाके में रहने वाले सैकड़ों लोग वहां पहुंच गए और कुछ महिलाओं ने दुकान के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। नाराज महिलाओं ने दुकान के अंदर रखा सामान बाहर फेंक दिया और फिर उसमें आग लगा दी। नाराज लोगों ने दुकान के मालिक को कोरोना संकट खत्म होने तक दुकान नहीं खोलने की चेतावनी भी दी, लेकिन हंगामे के दौरान महिलाएं खुद कोरोना के खतरे को भूल गईं और दुकान के बाहर झुंड बनाकर खड़ी नजर आईं। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक बड़ी क्रेन के गिरने से हुए हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए। ये क्रेन वहां पर बन रही इमारत के काम में लगाई गई थी, लेकिन तभी 65 फीट लंबी ये क्रेन अचानक गिर गई और पास के 2 मकानों को अपनी जद में ले लिया। जिन 2 मकानों पर ये क्रेन आफत बनकर गिरी, उनके छत के हिस्से टूट गए और घर के अंदर भी काफी नुकसान पहुंचा। हादसे की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुट गई। दमकल कर्मी घर की खिड़की से अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालते दिखे। इस दौरान बचाव दल के कुछ लोग हादसे में जख्मी हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के बगल में मुस्तैद खड़े दिखे। कानपुर कांड के बहाने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन के पास विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी की वजह से भीड़ लगाकर विरोध प्रदर्शन करने पर रोक है, इसके बावजूद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। और जैसे ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश भवन के पास पहुंचे, उन्होंने नारेबाजी तेज कर दी। यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ। प्रदर्शनकारियों को उत्तर प्रदेश भवन की तरफ बढ़ता देख सुरक्षा बल के जवान भी मुस्तैद नजर आए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश भवन दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे। यहां पर सुरक्षा बल के जवानों ने आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों के जत्थे को रोका और फिर उन्हें DTC बस में जबरन चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया।
इसी बीच दिल्ली पुलिस की नजर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास पर पड़ी। पुलिस ने बगैर देरी किए उन्हें भी हिरासत में ले लिया और सुरक्षा बल के कई जवानों ने धक्का मुक्की के बीच उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाया और